हेलो दोस्तों, भारत अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज की एक न्यू अपडेट जो कि आया है एचपीयू बीएड की तरफ से, तो आपको बताना चाहूँगा कि एचपीयू बीएड ने जो है एक न्यू अपडेट दी है। तो कुछ स्टूडेंट्स को पता चल गया होगा, बट मुझे लगता है कईयों को पता ना चला हो, तो वो अपडेट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की न्यू वीडियो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए डेस्कटॉप मोड मैंने कर दिया है ताकि आपको अच्छे से दिख सके। चलिए अब हम उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर विजिट करेंगे। वेबसाइट रहेगी admissions.hpushimla.in। तो ये देख लीजिए, ये वेबसाइट रहेगी, इसके ऊपर जो है आपको जाना है। फिर आगे जो है आपको HPU ऑनलाइन प्री एडमिशन के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे जो है आपकी अपडेट्स आपको दिखेंगी। तो ये जो अपडेट है ये आपको स्मार्टफोन के ऊपर नहीं दिखेगी। ये मैं कोई और ब्राउज़र यूज़ रहा हूँ, बट आपको आपके स्मार्टफोन पे अगर आप देखोगे क्रोम से, तो गूगल क्रोम से, तो ये आपको नहीं दिखेगी। आपको बस ये रेड में जो है यही दिखेगी, ठीक है। तो इसलिए मैं सोचा कि आपको ये अपडेट दे दूँ, ये रेड वाले है यही दिखेगी आपको। जो ये नीचे अपडेट है ये नहीं दिखेगी, येलो वाले, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इन्होंने अपडेट दी है कि द लास्ट डेट फॉर वेरिफिकेशन एंड डिपॉजिटिंग द ऑनलाइन एडमिशन फी ऑफ थर्ड राउंड ऑफ बीएड 2019 काउंसलिंग हैज़ बिन एक्सटेंडेड टिल। तो ये इन्होंने डेट बताई है 1 सितंबर 2019 तक जो है आप अब वेरिफिकेशन करवा सकते हैं और फी पेमेंट कर सकते हैं थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए, ठीक है। थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग है उसके लिए इन्होंने डेट एक्सटेंड कर दी है। तो कल तक जो है इन्होंने, कल का दिन भी आप जो है वेरिफिकेशन करवा सकते हो और फी डिपॉजिट करवा सकते हो, ठीक है। तो लास्ट डेट की ये अपडेट थी कि लास्ट डेट उन्होंने एक्सटेंड कर दी है। तो अभी जिन्होंने नहीं करवाया है अभी तक, तो वो आज का दिन भी था उनके लिए और कल भी जो है आप अब पूरा दिन आप जो है करवा सकते हो कॉलेज में, ठीक है। कॉलेज में आपको अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है और फिर वो आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद फ़ी पे आपको कर देनी है। और दूसरी अपडेट यहाँ पे आपको बताऊँ तो कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड ऑनलाइन फॉर बीएड काउंसलिंग थ्रू लॉगिन आईडी, ओनली दोज कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड फॉर फाइनल मॉप अप फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो आपको बताना चाहूँगा कि जिन्होंने बीएड काउंसलिंग के लिए लॉगिन आईडी के थ्रू अप्लाई किया है, वही जो है अभी वो ही कैंडिडेट जो हैं वो फाइनल मॉप अप राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उनको ही ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है, उनको ही कंसिडर्ड किया जाएगा जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया होगा बीएड की काउंसलिंग के लिए, ठीक है। जैसे फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग हुआ, ठीक है, कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड ऑनलाइन फॉर बीएड काउंसलिंग थ्रू लॉगिन आईडी, ठीक है। तो उनके उनको ही अभी जो है फाइनल मॉप अप फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो ये थी अपडेट। और फी अगर आपकी पे नहीं हो रही है या अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड आपका नहीं हो रहा है, तो मेरी प्रीवियस वीडियो होगी परसों शायद मैंने अपलोड की थी, तो वहाँ पे मैंने लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आप वहाँ से अलॉटमेंट लेटर भी डाउनलोड कर पाएंगे और दूसरी लिंक जो है वो फ़ी पेमेंट की है। तो वहाँ पे आप अगर आप क्लिक करोगे तो आपको वहाँ से फ़ी पे कर पाओगे, ठीक है। पहली लिंक है अलॉटमेंट लेटर के लिए, वो पोर्टल की लिंक है, और दूसरा पोर्टल है आपका फ़ी पेमेंट वाला। तो प्रीवियस वीडियो देख लेना आप, अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने में या फी पे करने में, तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट, मैंने सोचा कि आपको बता दूं, क्योंकि सभी के पास कंप्यूटर तो है नहीं, लैपटॉप तो है नहीं कि सभी को पता चल जाएगा। तो अब जो है कल तक आप वेरिफिकेशन करवा सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।